सोने के भाव लगातार कम होने की वजह से खरीदारों में दिखा उत्साह। व्यापारियों ने कहा इससे ज्यादा भाव गिरने की उम्मीद नहीं। खरीदारी में भी हुआ है इजाफा। महिलाओं ने जताई खुशी। जैसा कि हम जानते हैं कि गोल्ड रेट लगातार गिरते जा रहे हैं, दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, दर्शकों में इसका कितना उत्साह है, उसके अलावा व्यापारियों को कितना फ़ायदा हो रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद है विनय लाहोटी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर अभी कितना क्या मतलब रेट आपको लगता है कि और गिर सकता है? देखिए, सोने में जो भाव की कमी आनी थी वो एक बार तो बहुत अच्छी आ चुकी है। उसके पीछे रीज़न बहुत महत्वपूर्ण तो गोल्ड काउंसिल के हिसाब से वैक्सीन का डिफेक्ट आया है, और उम्मीद करते हैं कि एक बार सोने में कहीं थोड़ा सा करेक्शन और आना चाहिए। पर फिर भी कोविड की स्टार्टिंग के बाद से लेकर ड्यू टू कोविड अभी जो भाव हैं वो सोने के बहुत मध्यम भाव आ चुके हैं, बहुत निम्न स्तर पर भाव आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने की उम्मीद हाल फिलहाल तो नहीं नज़र आती। सर अभी व्यापारियों को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि रेट गिर गए हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग खरीदारी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, सोने चांदी के भाव में भाव का गिरना या भाव के बढ़ने से नफा नुकसान का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कस्टमर के पास जितनी परचेसिंग पावर बढ़ेगी उतना बिजनेस फ्लो बढ़ता है। तो सर अभी कितना उत्साह है वैसे ग्राहक आपके यहाँ, कितना क्या? कंपेरेटिवली पहले से व्यापार में काफ़ी ग्रोथ आई है, बीच में कोविड के दौर के बाद में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ने के कारण बहुत फ़र्क आ गया था। तो ये थे हमारे साथ विनय लाहोटी जी। आइए बात करते हैं कुछ कस्टमर्स से। महिलाओं को बहुत शौक है खरीदारी करने का, ज्वेलरी खरीदने का, और मुझे तो स्पेशली थोड़ा ज़्यादा शौक है, तो जब जब गोल्ड रेट डाउन होता है मैं तब तक मार्केट में ज़रूर आती हूँ ज्वेलरी शॉपिंग के लिए। थैंक यू सो मच। कितना उत्साह है? उत्साह तो बहुत हैगा, और जैसे ही गोल्ड रेट का पता चला है कि वो कम हो गए तो हम तुरंत आ गए हैं यहाँ लेने। पापा ने बोला शॉपिंग पहले सबसे पहले अब गोल्ड की होती क्योंकि कम हो चुका है गोल्ड, इसलिए। हाँ, शादी सीज़न के हिसाब से ही हमने ज्वेलरी खरीदी है कि जैसे नेकलेस वगैरह चूड़ियाँ वगैरह उसके हिसाब से ही खरीदा हैगा। अच्छा उत्साह है, जो भी लगता है वो हमने इसे ले जाते हैं, अच्छी चीज़ें बढ़िया है। रेट गिर गया मैडम, इसमें 2-4-5 हज़ार रुपये गिर जाने तो कोई भाव होता नहीं है क्या? अगर 50 से 25 पे आता तो खुशी होती है, और ज़्यादा 50 से 25 पे आता तो खुशी होती है। अब 3-4-5 हज़ार में क्या जाएगा? लेना तो है हमको, पर अब ये भाव ज़्यादा है तो अब थोड़ा थोड़ा हमें काम चलाएंगे, क्या करो है? अरे अभी पहले से कम हुआ है, अभी थोड़ा तब थोड़ा कम हुआ थोड़ा खरीद लें, जिसके बाद और कम होएगा फिर देखेंगे। नहीं नहीं कम होगा तो खरीदेंगे, ज़्यादा में नहीं। के लिए अभी जो बजट आया है वो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा होगा? बजट व्यापारियों के लिए ही आया है, जो भी आया है इससे व्यापारियों को ही फायदा है। सोने का रेट इससे कम हुआ है पहले से, उससे गिराकी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा अभी। हाँ, उम्मीदों पर खरा उतरा है। आपको व्यापारियों को कितना मुनाफा हो पा रहा है क्योंकि खरीदारी बढ़ रही है? मुनाफा तो क्या हो रहा है, बाकी फिर भी पहले से बजट से थोड़ा सा बाजार में भी उत्साह आया है, और उम्मीद है कि नीचे अगर भाव इससे और आता है तो और गिराकी निकलेगी। मतलब अगर रेट गिरता है तो इससे आपके बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिराकी नहीं? हमको इससे फर्क नहीं, हमको तो यहाँ बेचना और उसी रेट पे लेना है हमको तो। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि रेट बहुत कम हो गए। जनता बाजार में आज हमने बात की कस्टमर्स से, जानी उनकी खुशी, वैसे उनकी खुशी तो उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, और कुछ व्यापारियों से भी बात की, नफा नुकसान के बारे में उन्होंने बताया, बजट के बारे में भी उन्होंने बताया। तो इसी तरह देखते रहिए KNN से खास प्रोग्राम जनता बाजार, मेरे यानी कि काजल वर्मा के साथ।